मुजफ्फरपुर में सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना का पर्व करवा चौथ धूमधाम से मनाया। इस दौरान उन्होंने निर्जला व्रत रखकर छलनी से चंद्रमा को अर्घ दिया और पति के दीर्घायु होने और सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। पौराणिक कथा के अनुसार यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही आकांक्षा शर्मा ने वीडियो कॉल के जरिए गुजरात में रह रहे अपने पति नवीन शर्मा को देखकर अपना व्रत समापन किया। उन्होंने बताया कि शादी के बाद इस पर्व का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और इसके लिए कई महीनों से तैयारी कर रही थी। सबसे पहले सुबह उठकर पूजा और अर्चना की, फिर दोपहर में कथा सुनी और शाम को निर्जला व्रत रखते हुए चंद्रमा को अर्घ देकर पति की लंबी उम्र की कामना की। अन्य सुहागिन महिलाएं भी करवा चौथ को लेकर काफी उत्साहित दिखी। बस ये था कि कब करवा चौथ आए, कब बस सब करें। अब वीडियो कॉल से बात कर रही थी। हाँ जी, कहाँ है अभी इसमें? वो अभी गुजरात है। उनकी कमी खल रही है। हाँ, कमी खली है वो तो है ही। कितना उत्साहित थी इस त्यौहार को लेकर आप? कितना मैंने कि ये था आपको इंतजार था इसका? बस ये था कि जल्दी से करवा चौथ आए। पहले तो ये था कि वो रहेंगे साथ में तो बात ही अलग थी, पर अब अचानक उनका ट्रेनिंग का हो गया तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब तो दूर बैठे ही मनाना पड़ रहा है त्यौहार। मिस कर रही हैं? हाँ। अच्छा, क्या इसको क्यों मनाया जाता है, इसको कुछ बता सकते हैं? ये पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है त्यौहार। आपने क्या मांगा भगवान से? बस उनके लिए ही मांगा, जो मांगा वो स्वस्थ रहे, खुश रहे। सुबह से क्या क्या किया आज? सुबह से बस कहानी सुनी, और आज मेरा पहला करवा चौथ था तो मेरा उज्जवन भी था, तो मैंने उद्यापन किया उसका, और फिर अभी अर्घ देने के लिए भी आए। व्रत की समाप्ति हो जाएगी? हाँ, अभी व्रत की समाप्ति हो जाएगी। बात होगी हस्बैंड से? हाँ। चलिए ठीक है। क्या नाम होता? आकांक्षा। बहुत एक्साइटेड हूँ, हर साल इसका वेट करती हूँ, और पति चांद के उगने का वेट करती हूँ। सुबह से उठती हूँ, अच्छे से तैयार होती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, कहानी सुनती हूँ, और अच्छे अच्छे खाने बनाती हूँ। चूरमा है और अच्छा खाना बनाती हूँ, और चांद के उगने का वेट करती हूँ। पति आते हैं तो उनकी पूजा करके, चांद की पूजा करके फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। 25 साल हो गए हमारे। 25 साल? हाँ, 25 साल से कर रही हूँ मैं। बहुत इंतजार रहता है? बहुत इंतजार रहता है, और बहुत विश्वास है इस व्रत पे कि हाँ, मेरे पति लंबी उम्र मिलेगी और स्वस्थ रहेंगे, तो इसीलिए करती हूँ। क्यों मनाया जाता है इसको? पति की खुशी के लिए। अगर पति खुश हैं तो हम भी खुश हैं, पति हमारे घर की खुशहाली के लिए, सब खुशहाल रहे इसलिए। गिफ्ट मिला होगा आज? हाँ, आज मेरे पति ने मुझे गिफ्ट दिया, बहुत खुशी हुई। और जहाँ तक होता है, उन्होंने हर साल वो मुझे गिफ्ट देते हैं। अच्छा, और आज इन्होंने ये दिया। गिफ्ट लेकर दिएंगे आप? हाँ, गिफ्ट का इंतजार रहता है ना? नहीं, गिफ्ट का इंतजार नहीं रहता है, पति का इंतजार रहता है, लेकिन साथ में गिफ्ट का भी वेट करता है। गिफ्ट का भी वेट होता है। हाँ। क्या क्या तैयारी की थी इसको लेकर? मैंने कि पहले से कितना दिन से तैयारी कर रही थी? मंथ, कार्तिक मंथ शुरू होते ही एक्साइटमेंट शुरू हो जाता है कि करवा चौथ आएगा, हम लोग तैयार होंगे, अच्छे से श्रृंगार करेंगे, 16 श्रृंगार करते हैं इसमें, और गिफ्ट मिलता है, अच्छे अच्छे खाना बनाते हैं, सब मतलब जो हो सकता है अच्छे से पूरा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा शालिनी जलान। एक साल पूरा वेट करते तब करवा चौथ आता है। क्या क्या करना पड़ता है इसके बारे में? इसके लिए सुबह पूजा करते हैं, पहले दिन मेहंदी लगाते हैं, करवा चौथ की तैयारी करते हैं, चूड़ी लाठी सब खरीदते हैं। करवा चौथ वाले दिन सुबह सुबह नहा के पूजा करते, कहानी सुनते हैं, फिर दिन भर इंतजार करते कि रात को चांद आएगा, पूजा करते हैं। चांद का दर्शन हुआ? हाँ, हो गया। क्या मांगी है भगवान से? बस पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य रहे। और अपने लिए कुछ नहीं? पति ठीक रहेंगे तो खुद भी ठीक रहूंगी।
कितना साल हो गया करवा चौथ करते? 22 साल। 22 साल हो गया, 22 साल से इंतजार रहता है हर साल। हाँ। क्या नाम है आपका? बेला अग्रवाल। 35 साल हो गया। 35 साल हो गया। 35 साल से व्रत कर रही है। क्या क्या करना पड़ता है इसमें? बस वही सुबह नहा धो के अपना कहानी सुन लो, फिर अपना चांद का इंतजार रहता है, चांद को रख दो बस। अंकल जी हेल्प करते हैं इसमें? हाँ करते हैं। करते हैं। क्या करते हैं आज के दिन? जो तैयारी होती है, जैसे वो बरवा वगैरह लाना रहता है बाना निकालने के लिए, वो सब ला के देते हैं। गिफ्ट भी दिए होंगे? हाँ गिफ्ट तो देते ही रहते हैं। 35 साल हो गए आपका, लेकिन 35 साल में तो बड़ा गिफ्ट मिला होगा। हाँ। जी क्या नाम हुआ आपका? उर्मिला शर्मा।